इस चैप्टर के सभी नाम बहुत याद रखना बहुत कठिन है। The name of this chapter. The name of the chapter. Remembering very to remember. The names of this chapter is very difficult to remember. उनके नाम बहुत लंबे हैं और अनजाने हैं। तो क्या सर एक बार और बोलिए। उनके नाम बहुत लंबे हैं और अजनबी हैं। Because their names are very long and long and stranger. Stranger नहीं, strange, बाबा, strange. Yes sir. Their names are long and strange. Very long and strange. Yeah. कार्ल बेंज ने कंबसन इंजन का आविष्कार किया। सर क्या बोले हैं? पेज नंबर 7 पैराग्राफ थर्ड। यस सर कार्ल बेंज सर पेज नंबर कितना? पेज नंबर 47। यस सर। सर क्या? पेज नंबर 47 नंबर यस सर। कंबसन इंजन का विकास किया। कार्ल बेंज डेवलपमेंट ऑफ कंबसन इंजन। कंबसन इंजन यहाँ टू स्ट्रोक सर ये हो गया था सर 47 पेज में हो गया था। 47 हो गया था। यस सर हो गया था 47। ओके अब बेंच का इंटरेस्ट कार्ल बेंज बाइसिकल रिपेयर के मालिक के यहाँ काम किया। कार्ल बेंज इंटरेस्टेड इन बाइसिकल यस इन मेहनियम हाँ इन जिसका मालिक है मैक्स रोज है और फ्रेडरिक बिलिंजर था। विलियम बिलिंजर जिसका मालिक रोजेस विलियम जिसका मालिक उज्जवल रोजेस रोजेस इट स्विच विलियम इबलिंगर के इंडस्ट्रियल मशीन का उत्पादन किए।
पे इंडस्ट्रियल मशीन का दे प्रोड्यूस इंडस्ट्रियल मशीन एक कंपनी एक यह कंपनी बहुत उन्नति किया और एस्टेटिक गैस इंजन का उत्पादन किया। प्रोस्पर का लिख लीजिए, प्रोस्पर उन्नति करना, प्रोस्पर उन्नति करना, क्या बोले हैं? प्रोस्पर उन्नति करना लिख लीजिए। सर आवाज ठीक से नहीं आ रहा है। या सर मिल हो गया। या सर लिख लिए। अच्छा, उनका उनके बाइसिकल का अनुभव उन्होंने योग्य बनाया। उनका बाइसिकल का इंजन उन्हें ट्राइसिकल डिजाइन करने के लिए योग्य बनाया। उनके बाइसिकल इंजन का अनुभव सर हीज बाइसिकल इंजन टेक्नोलॉजी। इट मींस दैट हीज एक्सपीरियंस ऑफ मेकिंग बाइसिकल enabled him to produce a tricycle design. Tricycle. यह vehicle 4 stroke engine का था। यह tricycle 4 engine का था। The bicycle future यह इंजन पिछले दो पहियों के बीच में सेट किया गया। The engine was mounted between the rear wheel and quad ignition. The rear wheel and equipped with a very advanced equipped. यह इंजन दो पहियों के बीच में सेट किया गया था। यह इंजन सेट किया गया था। दिस इंजन वाज सेट बिटवीन सेट बिटवीन एक्यूप्ड टू रियर व्हील्स। रियर मींस पिछला। चार चक्के के गाड़ी के दो पहिए के बीच दो पहिया पीछे होती है ना, कॉल्ड रियर। रियर व्हील। यस सर। रियर मींस पिछला, उसको हाइंड भी बोलते हैं। जानवर का दो पांव पीछे का जो होता है उसे हाइंड लेग्स बोलते हैं। फोर लिम्ब हाइंड लेग्स जानवरों का हम हाइंड लेग्स कहते हैं। यहाँ गाड़ी है इसलिए रियर व्हील्स कहा गया है। क्लियर हो गई? सर इज इक्वल टू हाइंड। और अगला के लिए हम देंगे फ्रंट व्हील्स। अगला के लिए फ्रंट व्हील्स।
आप पिछला के लिए रियर व्हील हाँ इंजन को कूल करने के लिए रेडिएटर के जगह पर एवोपरेटिव सिस्टम जोड़ा गया। इंजन कूल करने के लिए क्लियर हो गया? Yes, sir. Can tell that evaporative system was used to cool the engine in place of radiator. Okay. Yes. Then ke madhyam se पावर को व्हील चेन के माध्यम से पावर को व्हील तक ट्रांसमिट किया गया। पावर फ्रॉम द इंजन वाज ट्रांसमिटेड टू द व्हील बाय द टू रोलर चेन रियर एक्शन। यस के माध्यम से by means of two roller chains मतलब दो roller chains के माध्यम से power was transmitted to the wheels. Power was transmitted roller chains to the rear axle. By means of two roller chains. यह पहली काल 1885 में पूरा किया गया। This vehicle was completed in 1885. जिसके मालिक कार्ल बेंज थे। जिसके अथॉरिटी कार्ल बेंज थे। कार्ल बेंज वाज द पेटेंट ऑफ दिस व्हीकल। कार्ल बेंज वाज पेटेंट ऑफ दिस व्हीकल। के रूप में विकसित किया। यह इंजन 2/4 horsepower के अनुसार विकसित किया गया। Horsepower. इस इंजन के कारण ही वह ऑटोमोबाइल के आविष्कारक माने जाते हैं। इस इंजन के कारण वे ऑटोमोबाइल के आविष्कारक माने जाते हैं।
due to invented this due to invention of this engine, he also known as the invention of automobile. Yes. Inventor of automobile. He is regarded. He is respected. माने जाते हैं, आदर किए जाते हैं. The inventor of automobile. Eighteen eighty six or eighty seven के दरमियान कार्ल बेंज ने अपना बहुत समय मोटर वैगन के आविष्कार में लगाया. During 1886 and 1887, During 1886 and 1887, he spent a great deal of his time developing and improving the motor wagon. यहाँ ध्यान दीजिए, a great deal of his time, मतलब अपना बहुत समय, a great deal of time. मतलब अपना ही ये नाउन ऑफ नाउन नहीं है, ये ग्रेट डील ऑफ फ्रेज है. मतलब ये ग्रेट डील ऑफ मींस बहुत है. तब उन्होंने अपना काफी समय इन दो वर्षों के दरमियान वे मोटर वैगन के आविष्कार में अपना काफी समय लगाया. ही यूज्ड He invested a great deal of time for developing and improving the motor wagon. Motor wagon. Wagon एक carriage है, मतलब passenger को ले जाने वाले गाड़ी को wagon कहते हैं. Okay. उनका पहला बिक्री, उनके वैगन का पहला बिक्री 1887 में हुआ. जब पहला वैगन उन्होंने 1887 में बेचा. He sold. Yes. वे बेचे तो he sold what? The his first wagon. His first wagon. When? Wagon. In 1887. वह इस वैगन को एमिली रोगर के हाथों बेचा. He sold this wagon to Emil Rogar. तो जो एक पर्सियन साइकिल बनाने वाले थे, जो एक पर्सियन साइकिल प्रोड्यूसर थे. Who was a Persian cycle maker? Very good. इतिहास में पहली बार यह मोटर वैगन बाजार में उपलब्ध, यह वैगन ऑटोमोबाइल बाजार में उपलब्ध हुई. इतिहास में पहली बार यह मोटर वैगन बाजार में बिक्री के लिए उपलब्ध हुई. In the history of automobile. यस, इतिहास में पहली बार यह मोटर वैगन बाजार में उपलब्ध हुई. वाज अवेलेबल इन द मार्केट फॉर द फर्स्ट टाइम. अब
ग्राहक ग्राहक इस ऑटोमोबाइल्स के ग्राहकों को गैसोलाइन फार्मेसी से खरीदना पड़ता था, तब फार्मेसी दवा के दुकान में, और गैसोलाइन मिस पेट्रोल। इस गाड़ी को चलाने वाले को अर्थात ग्राहक को पेट्रोल दवा के दुकान से खरीदना पड़ता था। उपलब्ध था यह पेट्रोल गैसोलाइन कस्टमर्स लेकिन दवा के दुकान वाले बहुत कम मात्रा में गैसोलाइन बेचते थे। बट दी shopkeeper of pharmacy sold small quantities as a cleaning product. Means the pharmacy sold a small quantities of gasoline, means a petrol. August 5 अगस्त 1888 को बर्था और उसके अपने मोटर वैगन ऑटोमोबाइल्स को ग्रैंड मदर से विजिट करने के लिए टूर पर निकले। बर्था तो जानते हो, हुई बर्था। Yes, sir. कौन है जो बर्था? कौन है? Yes, engagement. His mother. Engagement. Who is बर्था? Sir, his wife. Yes. Wife. Sir, his wife. Carvin's wife. बर्था अपने दो बच्चों के साथ, जिसका नाम रिचर्ड और यूजेन था, दादी माँ से मिलने के लिए इस मोटर वैगन में सफर किए। बर्था अपने दो बच्चों के साथ दादी माँ से मिलने के लिए इस मोटर वैगन से यात्रा की। बर्था ट्रेवल Now we can tell in our own language that Bartha and her two sons went to meet with grandmother in this motor wagon. Clear hai? Bartha. Yes, yes sir. Bartha traveled with her two sons to meet the grandmother by this wagon.
रास्ते में समस्या आने पर इस मोटर वैगन का मरम्मत भी की। वह मरम्मत की जब समस्या आई तो बर था इस मोटर वैगन को रास्ते में मरम्मत की। बर्था रिपेयर्ड द मोटर वैगन व्हेन द प्रॉब्लम अरोज। प्रॉब्लम ऑकर्ड व्हेन द प्रॉब्लम ऑकर्ड बर्था रिपेयर्ड दिस मोटर वैगन। क्लियर? यस सर। नीचे की तरफ उतरते समय में यह मोटर वैगन कठिनाई प्रॉब्लम समस्या उत्पन्न की। यह मोटर वैगन नीचे उतरते समय रोड पर नीचे उतरते समय समस्या उत्पन्न की। इस मोटर वैगन ऑटोमोबाइल प्रेजेंटेड डिफिकल्टी slowing down the vehicle to stop the turn. Yes. Now why नीचे उतरते समय vehicle समस्या क्यों उत्पन्न की बताइए। यह मोटर वैगन नीचे उतरते समय समस्या क्यों की? Because उतरते समय गाड़ी जब लुटकेगी आप ब्रेक नहीं लगाएंगे, ब्रेक यदि टकरा नहीं होगा तो क्या होगा? सर एक्सीडेंट। द सेम थिंग इज बीइंग टोल्ड हियर। टू स्टॉप व्हाइल लुकिंग डाउन vehicle did not stop and created difficulty to her. Miss Bartha ने गाड़ी को लुढ़कते समय रुकने में असमर्थ महसूस की। Bartha failed to stop the vehicle while it was running over the slopes. बर्था ने एक जूते बनाने वालों से कुछ नेल ब्रेक में लगवाई। बर्था Bartha found and paid a shoemaker to nail leather on brake block. Why? To stop the vehicle. Yes, sir. In the same way, ठीक जिस प्रकार से उतरने में ब्रेक की जरूरत हुई, उस गाड़ी में उतना उपलब्ध नहीं था, ठीक उसी प्रकार से क्लाइंबिंग ऊपर चढ़ते समय दोनों बेटों को गाड़ी से उतरकर गाड़ी को धक्का देना पड़ता था। Climbing
प्रकार जैसे नीचे के उतरने में डिफिकल्टी थी या ब्रेक वाज सेड लाइक दैट ऊपर चढ़ने में हिल के ऊपर चढ़ने में बच्चों को गाड़ी से उतरना पड़ता था और उन्हें धक्का देना पड़ता था Climbing hills was also difficult. The boy lifting his mountain and pushing the vehicle. Yes. So, गाड़ी को नीचे उतारने के भी जाने में कठिनाई थी, problem थी. गाड़ी को ऊपर चढ़ने में कठिनाई थी. तो नीचे उतरने वाली कठिनाई को कैसे दूर किया गया? They pushing the vehicle. का आविष्कार किए